अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में आपका अपना होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद आपको खुश आमदीद करता है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश व आबाद रखे। दोस्तों आज का हमारा जो नुस्खा है, वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं, ये टाइमिंग के लिए है। तमाम तरफ रात जिनकी टाइमिंग अरसा दराज से ख़राब है, बहुत से नुस्खे इस्तेमाल किए हैं, टाइमिंग ठीक नहीं हो रही, तो उनके लिए नुस्खा है बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मुस्तकिल तौर पर टाइमिंग ठीक हो जाती है। ऐसे तमाम मर्द हजरात जो बहुत ही कम टाइमिंग है जिनकी, जिनको शुरू से शिकायत है कि उनकी टाइमिंग बहुत कम है, उनके लिए नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। बहुत ही आला, बहुत ही आसान नुस्खा है, कोई महंगा नुस्खा नहीं है, बिल्कुल आम सी चीज़ों से बनने वाला नुस्खा है। इस नुस्खे को किस तरह से बनाना है, इसका क्या इस्तेमाल है, मुकम्मल तरकीब बताऊँगा। ये 40 दिन का मुकम्मल कोर्स है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इसके जो फ़ायदे हैं वो मुस्तकिल हैं। ऐसा नुस्खा नहीं है कि आप जितने दिन इस्तेमाल करें उतने दिन आपको आराम रहेगा, इस्तेमाल करना छोड़ दें फिर वही हाल, इस तरह का नुस्खा नहीं है। बहुत ही आसान, सादा और सस्ता म्यारी नुस्खा आपको बता रहा हूं। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स के लिए ऐसे नुस्खाजात पेश करूँ जो आप आसानी से बना सकें। अगर आपको कोई भी नुस्खा बनाने में मुश्किल पेश होती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे मशवरा कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नुस्खा बना बनाए मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बना बनाए नुस्खा भी तलब कर सकते हैं। तो दोस्तों नुस्खा क्या है, इस नुस्खे में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ये 3 चीज़ें कौन सी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इनको बनाने का मुकम्मल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें, वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें। इंशाल्लाह मैं इतने सादा लफ्ज़ों में वीडियो बनाता हूँ और इतने सादा लफ्ज़ों में मैं आपको नुस्खे बताता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। फिर भी कोई मसला होता है तो आप कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं नुस्खे के बारे में। काइंडली नुस्खे की मुझे थोड़ी सी आप नुस्खे का बारे में हिंट दे दिया करें, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नुस्खा शुरू किया, देखा स्क्रीन पर नंबर, देखा वीडियो बंद करके कॉल करके नुस्खा पूछने लग जाते हैं। खुदा रहा ऐसा ना किया करें, कम से कम आप उसके अज्जा नोट कर लिया करें। अज्जा नोट करके आपको बनाते वक्त कोई मुश्किल पेश आ रही हो तब आप मुझे कॉल करें, ठीक है। तो चलिए नुस्खा शुरू करते हैं। इसमें हमने 3 चीज़ें लेनी है, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगी गूंद ढाक, गूंद ढाक यानी कि कमर का समय चाहिए इसमें 5 तोला। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है बीज बंद, बीज बंद हमें चाहिए होंगे इसमें 2 तोला और 1 तोला हमें चाहिए होगा कुश्ता कली। आपने गूंद ढाक को और बीज बंद को बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक सफूफ बनाना है, बिल्कुल बारीक सफूफ। जब ये तैयार कर लें तब आप कुश्ता कली को इसके अंदर शामिल करें और इसे ज़ोरदार हाथों से यकजान कर लें। अच्छी तरह जब ये यकजान हो जाए तो आप, ये आपका नुस्खा तैयार हो गया है। आप इसे किसी शीशे किसी भी ढक्कन बंद बोतल में महफूज कर लें ताकि इसके अंदर हवा ना जाए, नमी ना जाए और ये ख़राब ना हो जाए, ठीक है। अब आपने करना यह है कि रोज़ाना 1 माशा आपने इसकी खुराक लेनी है, हमारा ताज़ा दूध, ताज़े दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। ये बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे को इस्तेमाल के दौरान ऐसे तमाम तरफ रात हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ करें जिनको अरसा दराज से ये शिकायत है, ठीक है। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, मुसलसल खाने से सरत अंजाल का अजाले में बहुत कारीगर नुस्खा है ये, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।